नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर हमारी रीढ़ पर जरा सी भी दिक्कत होती है तो इतना दर्द होता है कि अक्सर लोग इसे सह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्यों ना कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखें कि हमारी रीढ़ में किसी तरह की तकलीफ हो ही ना। एक तरह से जो कमर का दर्द एक महामारी की तरह फैला हुआ है, इसमें से बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनका बचाव किया जा सकता है। एक अगर हमें कुछ शब्दों में इसको समराइज करना हो तो हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें रखना जरूरी है, एक अच्छी जीवन शैली रखना जरूरी है। सफिशेंट जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती है, व्यायाम जिसे कहते हैं, उसमें खुराक अच्छी होती है और पोस्चर ठीक रखते हैं और आम तौर के जो मानसिक तनाव जो आपको तंग करते हैं उसको आप कंट्रोल में रखते हैं। मसल्स या मांसपेशियां कमजोर हों तो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं करते और यही एक सबसे आम कारण है कमर के दर्द का। तो मांसपेशियां मजबूत रखना सफिशिएंट जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज से, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डाइट का इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो एंड्योरेंस मसल्स हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, वो स्ट्रांग रखने के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। मानसिक तनाव को कंट्रोल में रखें, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, अच्छी सोच से और पोस्चर अच्छा रखें। तो ज़्यादातर बहुत सारी कमर की प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है भी तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है ताकि उसको लिमिट कर सकें। और अब वक्त आ गया है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से कुछ डाइट टिप्स लेने का। सर्दियां आ गई हैं, हमें ठंड लगनी शुरू हो गई है। वेदर चेंज होने से बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ जाती है। आजकल देखा जाता है वायरल हो गया, कॉफ एंड कोल्ड हो गया, सर दुख रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब सीजन ट्रांजैक्शन होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक डिफरेंट लेवल में एडजस्ट करना शुरू करता है। इस समय हम देखते हैं नेचुरली मार्केट में बहुत सारे ऑरेंजेस देखने में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मौसम आपको बता रहा है कि आपको विटामिन सी अपटेक करना चाहिए इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो इस समय आप खूब सारा ऑरेंजेस यूज़ करिए। ऑरेंजेस आप खा भी सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं अगर आप ओवरवेट ना हो तो। इस समय आप टमेटोज एंड कैरेट्स का जूस पीजिए या सूप पीजिए, जो कि अगेन विटामिन सी, बीटा कैरेटिन, एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई है। थोड़ा सा हमें कहीं फैट भी चाहिए इस सीजनल चेंज में, क्योंकि हमें ठंड, सडन ठंड जो आती है इससे लड़ने की कैपेसिटी चाहिए बॉडी में। इस वजह से इस दौरान हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग होता है। तो इन्हें आप यूज़ करिए और जो सीजनल चेंज के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जैसे शकरकंदी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मूंगफलियाँ हो या फिर अच्छे सिट्रस फ्रूट्स हो, ये सब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, विंटर्स के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। तो ये चीज़ों का यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। और देखते हैं आज क्या सिखा रही है हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, जो आज हम स्टैंडिंग सीरीज में पोस्चर करेंगे उसे हम एल शेप्ड आसन कहते हैं, एल अल्फाबेट। और ये आसन हमारे हिप जॉइंट्स, हिप ओपनिंग्स और हमारे नीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके अलावा हमारी ओवरऑल बॉडी के बैलेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम देखेंगे पोस्चर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना राइट फुट आगे लेके आएंगे और लेफ्ट फुट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हम आराम से धीरे धीरे अपना लेफ्ट नी नीचे लेके आएंगे और उसको रेस्ट करेंगे और राइट लेग को हम राइट एंगल पे रखेंगे। यहाँ से हम अपने हैंड्स को इस तरीके से इंटरलेस करेंगे और ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। जब आप इस पोस्चर में आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी थोड़ी स्विंग कर रही है, इसीलिए हम इसको बैलेंसिंग पोस्चर भी कहते हैं। यहाँ पे आप 1 से 3 मिनट तक ये पोस्चर होल्ड करेंगे। लॉन्ग डीप ब्रीथ। एक्सहेल करते हुए यहीं से हम दूसरी तरफ भी वापस मुड़ेंगे और दूसरी लेग से यही 1 से 3 मिनट तक
रिपीट करेंगे इसी एल शेप को। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अब वक्त है आज की ब्यूटी टिप्स का। गुड मॉर्निंग, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो नेल पॉलिश बहुत रेगुलरली यूज करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं और उनके जो नाखून हैं वो हमेशा ही पीले और बेजान लगते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टिप है जो आप घर पे बना सकते हैं एंड इसके लिए आपको सिर्फ अपने पूरे दिन में 5 या 7 मिनट का समय लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए गर्म पानी, इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस। नींबू आपको मालूम है इट इज़ अ नेचुरल लाइटनर। We'll use a full lemon and a few drops of almond oil. Almond oil may be lightening properties होती हैं, but more than anything else, I think it has high contents of vitamin E oil, जो आपके नाखूनों को strengthen करती है and will also add to the shine. उसके बाद dip your nails into this warm water, it feels really nice and leave them there for about 5 minutes. मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है लेकिन उम्मीद है कि आप बगैर नेल पॉलिश के करेंगे। उसके बाद नेल्स को पैच ड्राई कर लीजिए, बट यू विल स्टिल हैव द रेजिड्यू ऑन योर नेल्स एंड एक टॉवल लेके आपने नेल्स के ऊपर रबिंग करनी शुरू करनी है एंड डू इट वेरी वेरी हार्ड ताकि पॉलिशिंग इफेक्ट दे। अगर आप ये कंटिन्यूसली 3 दिन भी करते हैं, यू वोंट नीड अ मैनिक्योर एंड योर नेल्स विल बी सुपर शाइनी एंड क्लियर इन मिनट्स। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए #fitreheindia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।